आपके परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको एक दिए गए एड्रेस पर, दिए गए ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल लिखना होता है, तो उस ईमेल को अपन कैसे लिखें इसके बारे में पढ़ेंगे। एक ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें क्या क्या अपन को लिखना होता है, वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे कि ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है। तो लिख दीजिए फॉर्मेट ऑफ ईमेल, ईमेल का फॉर्मेट। ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, आजकल अपन एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन में जीमेल के नाम से ऐप होता है और उसमें अपन जाते हैं तो सीधा अपना ईमेल का ऑप्शन खुल जाता है। तो उसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ अपन केवल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार क्या क्या चीज़ अपन को एक ईमेल में लिखनी होती है। जब भी अपन ईमेल लिखेंगे या ईमेल का जो भी ऑप्शन है अपन अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर पे खोलेंगे तो उसमें आपको इस तरह से आपको कॉलम और इस तरह से आपको लिखे हुए मिलेंगे, टू सी सी बी सी सी, टू सी सी और बी सी सी। देखो जब इसको अपन इस तरह से लिखा जाएगा तो टू में ये फॉर्मेट है फिक्स अपना, टू के सामने जो ब्लैंक है उसमें अपन को जिस व्यक्ति को मेल भेजना है उस व्यक्ति का जीमेल एड्रेस या जो भी उसका मेल एड्रेस है वो यहाँ लिखा जाता है। अब मेल एड्रेस हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, जिसमें स्पेशल करेक्टर के साथ उसका मेल एड्रेस होता है। अपन अपना स्वयं का भी मेल, जो फ़ोन चलाते हैं अपन एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसको चलाने के लिए अपन स्वयं का भी अपना जीमेल अकाउंट बनाते हैं, तो उस वो है अपना मेल एड्रेस होता है। मेल एड्रेस कभी आपके प्रश्न में दिया गया होता है और कभी नहीं भी दिया गया होता है। तो अपने को नहीं भी दिया गया तो अपन अपनी आसानी से आराम से उसको बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं अपने नाम का मेल एड्रेस बनाऊं तो मेरे नाम का मेल एड्रेस ऐसे बन सकता है, एट द रेट, स्पेशल करेक्टर आता है shankarjad@gmail.com। तो आपने जो भी अपना मेल एड्रेस बनाया है उस मेल एड्रेस को या जिसको भी आप मेल भेजना चाह रहे हैं उस व्यक्ति का मेल एड्रेस यहाँ लिखा जाता है टू में, ठीक है। अगर आपको एक से ज़्यादा व्यक्तियों को वही मेल भेजना है तो उस दूसरे वाले जो व्यक्ति हैं उनका मेल एड्रेस जो है वो सी सी वाले कॉलम में लिखा जाता है। जब आप प्रैक्टिकली इसको अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि इसमें सीसी में आप कई मेल एड्रेस एक साथ जोड़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है बीसीसी, इसमें आप मेल, एक मेल को कई लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन इसमें आप जिस व्यक्ति को भेजेंगे उसको पर्सनल वो दिखेगा कि यह मेल मेरे पास ही आएगा, यानी दूसरे से आप उसको छिपा कर आप कई व्यक्तियों को मेल भेज सकते हैं। तो सी टू, टू में अपने को जिस व्यक्ति को मेल भेजना है उसका एड्रेस आता है। मेल एड्रेस उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे आप मान लो अपने प्रिंसिपल को मेल भेज रहे हैं तो आपके प्रिंसिपल का एड्रेस आ जाएगा। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रिंसिपल GSSS लदानी @gmail.com। इस तरह से जो आपके मेल एड्रेस के जो भी अक्षर होंगे वो सभी स्माल में होंगे और उसमें @ जो है वो स्पेशल करेक्टर होगा। सीसी में क्योंकि अपन को एक ही व्यक्ति को मेल भेजना है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। बीसीसी में भी अपने को क्योंकि एक से ज़्यादा व्यक्ति को मेल नहीं भेजना है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है अपना सब्जेक्ट, मेल आप किस विषय पर भेज रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ लिखा जाता है। अब आप प्रिंसिपल को मेल भेज रहे हो, आपको कोई स्पेशल लीव पे रहना है तो फोर लीव हो जाएगा। आपको कोई दूसरा काम है फुल फी कंसेशन के लिए भेज रहे हो तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा फुल फी कंसेशन। आप किसी एक्स्ट्रा क्लास की अरेंजमेंट के लिए लिख रहे हो तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस। तो इस तरह से आप कई तरह से कई विषय पर मेल आप लिख सकते हैं, वो आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट या मैसेज, इसको टेक्स्ट भी कहते हैं और इसको मैसेज भी बोल सकते हैं। इसमें आपने जो भी मेल लिखा है, जिस विषय पर आप मेल लिखना चाहते हैं उसकी विस्तृत जानकारी यहाँ दी जाती है। अब इसमें आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो सर या मैडम जो भी है सैल्यूटेशन यहाँ आ जाएगा और उसके बाद आपके इस पत्र की मुख्य बॉडी हो जाएगी। तो सैल्यूटेशन के बाद आप पूरा अपना ईमेल इसमें विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसी में वापस, ये तो सैल्यूटेशन हो गया, टेक्स्ट मैसेज में आपका आएगा सैल्यूटेशन। और ये जब आप पूरा लिख देंगे दो या
चार लाइन जो भी है, उसके बाद इसी में आपका आएगा कर्टियस एंड, कर्टियस एंडिंग। तो इसमें आपको जो भी लिख आपकी कर्टियस एंडिंग है, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज, या प्लीज अलो मी फुल फी कंसेशन, या प्लीज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर आवर क्लास, तो इसमें जो भी है आप उसको कर्टियस एंडिंग इसकी कर सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका सब्सक्रिप्शन, या इसमें थैंक्स के माध्यम से भी आप कर्टियस एंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में क्योंकि जो भी मी जीमेल लिख रहे हैं अपन, या तो प्रिंसिपल को लिखेंगे, या हेडमास्टर को लिखेंगे, या एडिटर को लिखेंगे, तो एडिटर को लिखेंगे तो अपना सब्सक्रिप्शन अलग हो जाएगा, प्रिंसिपल या हेडमास्टर को लिखेंगे तो अपना सब्सक्रिप्शन अलग हो जाएगा। तो अगर मान लो अपन प्रिंसिपल या हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो अपना सब्सक्रिप्शन हो जाएगा यूअर्स ओबीडियंटली। अगर अपन किसी दूसरे अधिकारी को मेल लिख रहे हैं तो यूअर्स फेथफुली आ जाएगा। या अगर अपन किसी एडिटर को, संपादक को लिख रहे हैं तो अपन लिख देंगे यूअर्स ट्रूली। तो इस तरह से अपन अलग अलग सब्सक्रिप्शन का यूज़ भी यहाँ कर सकते हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है नेम एंड सिग्नेचर। जो भी व्यक्ति इस मेल को लिखने वाला है उसका नेम और सिग्नेचर यहाँ आता है। तो इस प्रकार अपन किसी भी मेल को लिख सकते हैं। जैसे मान लो मेल लिखने वाला व्यक्ति कमलेश है तो उसका नाम आ जाएगा कमलेश। वापस समझ लीजिए, फॉर्मेट है आपका ईमेल का। ईमेल के फॉर्मेट में पहला जो कॉलम है वो टू का बनता है, और टू के सामने वाले जिस व्यक्ति को अपन मेल भेजना चाह रहे हैं उसका मेल एड्रेस आता है। मेल एड्रेस हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है, और उसमें एट दी रेट जो है आपका स्पेशल करेक्टर होता है। यह मेल एड्रेस आपको प्रश्न में दिया हुआ हो सकता है, नहीं दिया गया तो आप अपनी तरफ से भी मेल एड्रेस बना सकते हैं। CC कार्बन कॉपी के लिए है, वो अपने को यूज़ नहीं आता है एग्ज़ाम में। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए है, वो अपने एग्ज़ाम में यूज़ नहीं आता है। सब्जेक्ट आप ईमेल किस विषय पर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, तो वो कारण यहाँ सब्जेक्ट जो विषय है वो यहाँ बताया जाता है। फिर आता है टेक्स्ट या मैसेज, जिसमें सबसे पहले होता है सैल्यूटेशन। आप अभिवादन करेंगे, जिसको भी मेल लिख रहे हैं वो सर या मैडम के नाम से उसको अभिवादन करेंगे, और फिर आपके उस मेल का जो विषय है उससे संबंधित विस्तृत बात यहाँ दो या चार लाइनों में लिखी जाती है। फिर आता है कर्टियस एंडिंग में, आप थैंक्स से भी कर सकते हैं या और दूसरे तरीके से भी इसकी एंडिंग कर सकते हैं। फिर आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आपको अगर प्रिंसिपल या हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो यूअर्स ओबीडियंटली लिखेंगे। अगर आप इनके अलावा किसी अन्य अधिकारी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे यूअर्स फेथफुली। और अगर आप किसी अखबार के संपादक को, एडिटर को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे यूअर्स ट्रूली। तो इस प्रकार आप सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका नेम एंड सिग्नेचर आ जाएगा। अब अपन एक ईमेल का एग्जांपल लेके पढ़ेंगे ताकि अपन को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ईमेल लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिख दीजिए कि ईमेल का एक क्वेश्चन लिख दीजिए, जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस आधार पर अपन ईमेल के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिख दीजिए सबसे पहले बोर्ड में आया हुआ अपना क्वेश्चन किस प्रकार है। मैं लिख रहा हूँ, यू आर रमेश रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। इधर लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन अपना, यू आर रमेश रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। यू आर रमेश रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। Write an email to the principal of your school. Write an email to the principal of your school to arrange extra classes for English and Maths. इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में या पूछा जा सकता है। इसमें वो कारण भी दे सकता है, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स एज द सिलेबस इज इनकम्प्लीट। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में वापस पढ़ रहा हूँ, यू आर रमेश रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स
एज द सिलेबस इज इनकम्प्लीट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपने को यू आर रमेश रीडिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, आप रमेश हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में पढ़ते हैं। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक ईमेल लिखिए टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स, अंग्रेजी और गणित की अतिरिक्त कक्षाएं आयोजन करने के लिए, एज क्योंकि द सिलेबस इज इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें आपका जो पाठ्यक्रम है वो अधूरा है। तो अपन देखेंगे कि अपने को इस विषय पर मेल लिखना है, तो सबसे पहले अपन अपना वही फॉर्मेट, क्योंकि मेल जो है अपना फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा, तो अपन अपना फॉर्मेट बना देते हैं कि किस प्रकार अपन मेल लिखेंगे। क्वेश्चन को मैं नहीं मिटा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी कि किस प्रकार अपन लिखेंगे। सबसे पहला अपन फॉर्मेट में लिखे थे, पहला कॉलम था अपना टू था। अब यहां अपने को मेल एड्रेस दिया हुआ नहीं है, अगर मेल एड्रेस दिया हुआ नहीं हो तो आप अपनी तरफ से मेल एड्रेस बना सकते हैं। अब ये कह रहा है प्रिंसिपल को लिखना है, और प्रिंसिपल भी कहाँ का, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। तो अपन आराम से इसका ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। तो अपन ने लिख दिया स्मॉल लेटर में प्रिंसिपल GSSS जयपुर @gmail.com। इस प्रकार से आप आसानी से किसी का भी मेल एड्रेस बना सकते हैं। दूसरा है अपना CC में, आप मैंने आपको पहले भी बताया ये परीक्षा में अपने काम का नहीं है, इसको काम में नहीं लिया जाता। BCC ये भी लेटर का फॉर्मेट जरूर होता है, लेकिन अपन इसको काम में नहीं लेते हैं। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, अपन किस सब्जेक्ट पर मेल लिखना चाह रहे हैं। अब इसमें चूंकि इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से पढ़े तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स। ईमेल क्यों लिखना है कि टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स, तो अपना सब्जेक्ट हो जाएगा टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस आप संक्षिप्त इसमें आपका सब्जेक्ट लिख दें। फिर आता है आपका टेक्स्ट या जिसको मैसेज भी कहते हैं, और इसकी शुरुआत होती है, मैंने आपको बताया था, सैल्यूटेशन से, अभिवादन से। आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आपका प्रिंसिपल जो भी है उसके आधार पे यहाँ सैल्यूटेशन का शब्द अपन सर या मैडम यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया सर, ठीक है, अब आपकी वही शुरुआत हो जाएगी जैसा जनरल रूप से अपन किसी फॉर्मल लेटर में करते हैं या एप्लीकेशन में करते हैं, वही इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ जैसे विथ ड्यू रेस्पेक्ट से, तो मेरा लेटर स्टार्ट हो जाएगा, ईमेल एड्रेस हो जाएगा विथ ड्यू रेस्पेक्ट I beg to say that, ये जनरल स्टार्टिंग होती है किसी भी एप्लीकेशन की या प्रिंसिपल को लिखे जाने वाले किसी भी ईमेल की, ये जनरल स्टार्टिंग होती है कि विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, इससे आपका ये शुरुआत हो जाएगा। फिर आप डायरेक्ट अपने मुख्य बिंदु पर आ जाइए, आपका नाम रमेश है तो यहाँ आप लिख दीजिए दैट आई एम रमेश ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई एम रमेश ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो ये आपकी ईमेल की शुरुआत होगी कि विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, नम्र निवेदन है कि आई एम रमेश, मैं रमेश हूँ, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। अब आप अपने मुख्य बिंदु पर आ जाइए कि आपके अंग्रेजी और गणित का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो आप डायरेक्ट अपने मुख्य बिंदु पर आ जाइए कि द सिलेबस ऑफ English and Maths of class 10th is incomplete. The syllabus of English and Maths of class 10th is incomplete. कि कक्षा 10 की अंग्रेजी और गणित का पाठ्यक्रम अधूरा है, और हमारी आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि हमारी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नज़दीक है, तो आप ये लाइन भी यहाँ जोड़ सकते हैं, आवर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर नियर, हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नज़दीक है। तो आप सीधे अपने मुख्य बिंदु पर आ जाइए कि अगर हमारा समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ तो हमें नुकसान हो सकता है, हमें हानि हो सकती है, तो ये भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट अपने एंडिंग पर भी आ सकते हैं कि कृपया करके आप इन विषय में हमारे लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए प्लीज़
अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स प्लीज अरेंज। ये आपकी यहाँ से अलग पैराग्राफ चेंज करके भी आप लिख सकते हैं कि प्लीज अरेंज, कृपया करके व्यवस्था करें एक्स्ट्रा क्लासेस अतिरिक्त कक्षाओं की फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स अंग्रेजी और गणित के लिए। फिर आपकी कर्टियस एंडिंग आप थैंक्स से भी कर सकते हैं, थैंक्स, और फिर आपका आ जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल को आप लेटर लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल को जो भी लेटर लिखा जाएगा उसमें आपका सब्सक्रिप्शन जो होगा वो होगा यूअर्स ओबीडियंटली। तो यहाँ आप करना सब्सक्रिप्शन लिख देंगे यूअर्स ओबीडियंटली, और फिर आपका लेटर लिखने वाला जो भी व्यक्ति है उसका नाम आ जाएगा। यहाँ नाम अपने को दिया गया है रमेश, तो अपना नाम लिख देंगे यहाँ रमेश। तो इस तरह से आप किसी भी ईमेल को लिख सकते हैं, ईमेल राइटिंग कर सकते हैं। परीक्षा में प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाता है, अपने को बिल्कुल व्यवस्थित इसी तरीके से ईमेल लिखना है। वापस आपके रिवाइजन के लिए बता दूं, सबसे पहले टू में जिस व्यक्ति को अपन मेल लिख रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। मेल एड्रेस अगर दिया गया है प्रश्न में तो वही लिखना है, अगर नहीं दिया गया तो आप अपनी तरफ से मेल एड्रेस बना के लिख सकते हैं। दूसरा कॉलम सीसी, उसमें कुछ नहीं लिखना है अपने को। बीसीसी, उसमें भी कुछ नहीं लिखना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप मेल किस विषय पर लिख रहे हैं वो विषय संक्षेप में आपको वहाँ लिखना है। फिर आता है आपका टेक्स्ट या मैसेज, जिसमें आपको विस्तृत रूप से उस जिस विषय पर आप मेल लिख रहे हैं वो लिखना होता है, वो चार लाइन या पाँच लाइन में आप लिख सकते हैं। फिर उसकी कर्टियस एंडिंग आपको करनी है, थैंक्स से कर सकते हैं आप या कोई दूसरे स्टाइल से भी कर सकते हैं। फिर आपको सब्सक्रिप्शन लिखना है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर को अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे यूअर्स ओबीडियंटली, और अदर्स को अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे यूअर्स फेथफुली, लेकिन अगर आप किसी अखबार के संपादक को एडिटर को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे यूअर्स ट्रूली। तो इस प्रकार से फिर इसके बाद आपका नेम एंड सिग्नेचर आ जाता है और इस प्रकार से अपना ईमेल पूरा हो जाता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वापस मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स।